हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन पैन कार्ड। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए, टाइप करिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड, एंटर मार दीजिए। जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी इसी पे क्लिक कर दीजिए और ये वेबसाइट ओपन हो गई है। आप नोट कर लीजिए यहाँ पर team.nstl.com। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो ये क्लिक कर लीजिए और फॉर्म के लिए यहाँ पे अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है और आपको दोबारा वही पैन कार्ड बनवाना है तो आप चेंज पर क्लिक कर सकते हैं। बस आपको पुराना की फोटोकॉपी साथ में भेजनी होगी। और अगर आपका स्टेटस चेक करना चाहते हैं जो आपने पैन कार्ड पहले अप्लाई किया तो यहाँ पर होगा। तो हम नया अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। अगर आप अपने खुद के लिए मनावा रहे हैं तो इंडिविजुअल, और अगर आप कोई कंपनी वगैरह है तो यहाँ पे आप अपने चूज कर सकते हैं। जो भी जिसके लिए भी पैन कार्ड बनवा रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। सिलेक्ट, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल टैक्स के लिए चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप नॉन इंटरनेशनल के लिए चाहते हो डोमेस्टिक अपना तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आपकी सिटी है, जैसे दिल्ली के लिए बता देता हूँ, जैसे डी फॉर दिल्ली, डी पे क्लिक कर दीजिए दिल्ली। जो भी आपका सर्कल हो इनमें कुछ भी चूज कर सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो पैन कार्ड में डिटेल नहीं आती। दिल्ली सर्कल में कर देते हैं, कोई भी दिल्ली का आपका सर्कल। और सबमिट कर दीजिए, आपका जो भी सर्कल है इनमें चूज कर लो सबमिट। ये फॉर्म में अपने आप ही आपका एरिया कोड वगैरह इंटर हो गया है। और सबसे पहले सबसे जरूरी चीज होती है जो इसमें नाम की डिटेल कैसे भरी जाए। हम कई बार नाम भरने में गलती कर देते हैं और उससे जो पैन कार्ड पे नाम होता है वो उल्टा सीधा आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रॉपर तरीका कैसे लिखा जाए नाम। सरनेम में, लास्ट नेम में, जैसे कि नाम है राम सिंह तो लास्ट में यहाँ पर सिंह आएगा और फर्स्ट नेम पर राम। अगर आप कहोगे कि मेरा नाम तो बस राम है, सिंह नहीं है, तो सिर्फ बस लास्ट नेम लिख दीजिए। यहाँ पर जो आप नाम लिखोगे वो ही नाम प्रिंट होगा। ये प्रिंट तो नीचे होगा पर ये लिख देते हैं SINGH और फर्स्ट नेम क्या आपका, जैसे राम। अगर आपका सिंगल वर्ड का नाम है तो बस यहाँ पर लास्ट नेम पे लिख दीजिए राम सिंह। और ये मिस्टर, और आप मिस्टर पे क्लिक करना। अगर आप दूसरे नाम से जाने जाते हो तो ये में से नो कर दो। और जेंडर पे मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है 15 अगस्त 1990 कर रहा हूँ। और फादर नेम का वैसे ही जैसे लास्ट नेम में राम सिंह ओम सिंह लिख देता हूँ SINGH ओम सिंह। इनमें से एड्रेस में काफी लोग गलती करते हैं तो दोनों भरने जरूरी नहीं है। या तो आप अपना एड्रेस रेजिडेंस का भर दो या ऑफिस का भर दो, बट एक ही भरना है कोई, जो भी आपका हाउस नंबर हो, विलेज या फिर जो भी दिल्ली पोस्ट ऑफिस दिल्ली P
पिन कोड भर दीजिए, वहाँ पर रेजिडेंस भर रहे तो आप रेजिडेंस पर क्लिक कर दीजिए, नीचे कंट्री इंडिया, हाँ मोबाइल नंबर इस पर जो करना पड़ेगा हमें, एक दो वैसे रैंडम भर रहा हूँ, उसके बाद ईमेल आईडी है आपको जरूर भरनी है जो भी भरते हैं, अगर आपका आधार नंबर है तो डालने पर एक चीज का ध्यान रखे, अगर आप आधार नंबर डाल रहे हैं तो आपका जो एड्रेस है वो एकदम वही लिखे जो आधार कार्ड पे लिखा गया है, नहीं तो ये बाद में क्योंकि इलेक्ट्रिकली ये डाटा अपने आप चेक करते हैं आधार नंबर पे जो भी लिखा हुआ है, तो ये वैसे जरूरी नहीं है, तो आप रहने दे तो अच्छा है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय है तो ये भी, और अगर आप नो इनकम का बनवाना चाहो तो भी बनवा सकते हैं, जो भी आपको चूज करना चाहे कर सकते हो, और उसके बाद इनको किसी को मत क्लिक करो। हाँ, इसमें तीन चीज जरूरी होती है, एक हमें तीन आईडी की जरूरत पड़ती है, एक डेट ऑफ बर्थ के लिए, एक एड्रेस के लिए, और एक पड़ती है हमें फोटो आइडेंटिटी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए तो 10th की चल जाती है, अगर आपने 10th नहीं की है तो आपको एक एफिडेविट सिंपल जो कोर्ट में जाके बनवा सकते हो, और वो भी डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। तो इनमें से कोई एक बैंक अकाउंट और स्टेटमेंट या जो भी, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड में सारे ड्राइविंग लाइसेंस ये सभी चल जाएगी, इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसके बाद आपका जो भी नाम है राम, यहाँ पे हम सेल्फ क्लिक करें, प्लेस जो भी आप प्लेस हो, और हाँ उसके बाद एटीएम से आप अगर पेमेंट करवाना चाहते हो यहाँ पे डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट करो, अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग पे सिलेक्ट कर दो ना, और सबमिट। सबमिट होने के बाद जो हमारी गलती है वो रेड मार्क में आ जाएगी, तो ये हमें बता देगा कि क्या क्या इनिशियल आर नॉट, आधार कार्ड शायद ये जरूरी कर दिया, अब सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो ऐसा जब आएगा आपके पास फॉर्म तो उसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक भर आ गया है, उसमें आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, आपका नाम ठीक तरह से लिखा गया हो, उसके बाद सबसे नीचे जाके ये जो लिखा हुआ है से टाइप कर दूँ W55X और कंफर्म, उसके बाद एग्री, ये आपको बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पे बस आपको डेबिट कार्ड के अपने नंबर की डिटेल भरनी है, सबमिट करना है, और उसके बाद आपके पेमेंट कट जाएगी, और हाँ एक ऐसा फॉर्म निकल के आएगा उस पे ऊपर लिखा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, इस तरफ एक फोटो, आपको एक यहाँ पर फोटो लगाना है, एक यहाँ पर फोटो लगाना है, यहाँ पे साइन करने हैं ब्लैक पेन से, और जो यहाँ पे फोटो लगाओगे लेफ्ट साइड में वहाँ पे भी आधा फोटो पे साइन आधा नीचे, और सब में नीचे यहाँ पर इनका एड्रेस लिखा होगा उस पेज पर,
और उस पर सेंड कर देना है। और जब सेंड कर रहे होगे तो सबसे ऊपर लिखना है एनवलप पर तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप अपने इसकी चेक भी कर सकते हो स्टेटस में कि आपका पैन कार्ड बना है या नहीं, बस इतना है। अगर आपके कोई भी पूछना है सवाल क्यूरी हो आपकी कोई भी तो कमेंट में लिख दीजिए, उसका हल दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।